देश का हालात जसोदाबेन की तरह बना दिया। आज पूरा देश जसोदाबेन की तरह घूट घूट कर मर रहा है। 2020 वाली दिल्ली 2002 वाली गुजरात है। या मोदी सर्व झूठे सु नाट्य रूपेण संस्था तुम टुच्चे लुच्चे तुम बेचू बांटू नमो नमः। मोदी जी और भाजपा के नेता कहते हैं कि न घर बसा हमारा न घर बसने देंगे तुम्हारा। नमस्कार, हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, मेरे साथ है पंकज श्रीवास्तव, जो जाने जाते हैं अपनी बेबाकी के लिए, अपने डायलॉग्स के लिए। और आज हम बात करेंगे यस बैंक को लेकर। जिस तरह से यस बैंक पर मुसीबत आ गई गिरी है, उससे पहले PNC बैंक और कई सारे बैंक, इसमें लगातार नंबर इनका जारी है कि होड़ लगी हुई है, कौन ज़्यादा डूबेगा, कौन जल्दी डूबेगा, कौन जल्दी बर्बाद होगा। ठीक है, और यस बैंक के संस्थापक ने कभी कहा था कि नोटबंदी एक मास्टर स्ट्रोक है, तो ये मास्टर स्ट्रोक उन पर कैसा लगा, इन पर बात करते हैं। जी मोदी जी पर एक मंत्र फिट बैठता है। अच्छा। या मोदी सर्व झूठे सु नाट्य रूपेण संस्था तुम टुच्चे लुच्चे तुम बेचू बांटू नमो नमः। मोदी जी जब देखे कि देश संभल नहीं रहा है मोदी जी से, तो कहते हैं सीसी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं, अच्छे दिन तो ला नहीं पाए हम, चलो सोशल मीडिया ही छोड़ दूं। अरे प्रधानमंत्री जी, छोड़ना ही था तो प्रधानमंत्री पद छोड़ दिए होते, देश अमन चैन से रह रहा होता। जो यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे नोटबंदी को, प्रधानमंत्री जी कहते थे चार चार पुस्तों की कमर टूट गई, हिंदुस्तान की आवाम की 10 पुस्तों की कमर टूट गई, 5 आने वाली की भी कमर टूट गई। लोग हिंदुस्तान में आज एक वक्त खाना खाकर गुजारा कर रहे, इसका जवाब दे। लोग एक कप चाय पीने को तरस रहे, इसका सीधा और सीधा प्रधानमंत्री पर ये निर्भर करता है। प्रधानमंत्री ने देश की ऐसी स्थिति बना दी जैसे उन्होंने अपनी पत्नी जसोदा बेन का बनाया था। भरी जवानी जसोदा बेन घूट घूट कर मरती रही, न वो सुहागन रही न विधवा। प्रधानमंत्री छुपाने में बहुत माहिर आदमी हैं। जसोदा बेन जी से शादी किया, भरी जवानी उनकी विधवा की तरह जीती रही। देश का हालात जसोदा बेन की तरह बना दिया। आज पूरा देश जसोदा बेन की तरह घूट घूट कर मर रहा है। मोदी जी से हम कहना चाहते हैं, देखिए अमन भाईचारा खत्म कर देश को कभी आप प्रगति के रास्ते पर नहीं ले जा सकते। भाजपा के अनपढ़ गंवार नेताओं ने देश में अराजकता का माहौल फैला दिया। देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक चल रहा है, चारों तरफ बर्बादी के मंजर छाए हैं, दिन में ही काली रात है। 2020 वाली दिल्ली 2002 वाली गुजरात है। आपने देखा, पूरी देश ने देखा है किस तरीके से अब तो जज भी डरने लगे हैं। जिस जज ने 49 वीडियो सीडी होने के बावजूद चिन्मयानंद को जमानत देता है, उसका प्रमोशन कर दिया जाता है। जो जज इनको बरी करता है, उनको CBC का चीफ बना दिया जाता है, चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। जो जज एस मुरलीधर भाजपा के गंवार नेताओं पर जहरीले और भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं पर FIR दर्ज करने की बात करता है, उसका रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये रात में चोरों की तरह काम करने में इतने निपुण आदमी चोर लोग हैं। ये गोरे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को जितना नहीं लूटा, उतना ये काले अंग्रेज देश को बर्बाद कर दिए। अपने ही देश में जाति और धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाकर सत्ता का सुख भोगने वाले ये अंग्रेजों दलाल के नाजायज लोग हैं। ये पूरी हुकूमत को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए ताकि हिंदुस्तान में अमन चैन कायम हो सके। आज आपने देखा PMC बैंक में किसका नाम था, जो भाजपा के विधायक रंजीत सिंह उनके शागिर्द में, उनका जो UP में जो फ्यूचर फंड के पैसे थे, उस सब का लेन देन सब कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं से तार जुड़े हुए हैं। ये जांच का विषय है, जांच का विषय। इनका फर्जी देशभक्त भी है। पुलवामा की घटना 14 फरवरी को हुई थी, DSP देवेंद्र सिंह के संबंध अफजल गुरु से भी थे। 15 अगस्त को उनको राष्ट्रपति पदक दिया जाता है, NI चार्जशीट दाखिल नहीं करता है। हमारे जो भारत माँ की वो कार किसकी थी, जिस कार में 300 किलो RDX था, ये पूछ रही है भारत माँ। भारत माँ रो रही है, जो भारत के वीर सपूत शहीद हुए उनको पेंशन नहीं दिया जा रहा, उनको भत्ता नहीं दिया गया। बताइए, एक दिन के लिए विधायक बनेगा तो लाखों में पेंशन है, जो देश की सरहदों की रक्षा करेगा उसके लिए पेंशन भी नहीं है मरने के बाद। हमारे फौजी भाइयों को वेतन देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। इतनी निकम्मी निठल्ली सरकार है ये।
नहीं, एक बात बताइए, दिल्ली में पहले दंगा हुआ, फिर कोरोना वायरस आया, अभी अचानक पीएमसी घोटाला का आया, देश को कौन सा ग्रहण लग गया है ऐसी दशा में? लगातार घटनाएं ये कहते हैं मोदी जी और भाजपा के नेता कहते हैं कि न घर बसा हमारा, अन घर बसने देंगे तुम्हारा। हमने भरी जवानी 35 साल भीख मांगी, अब देश की जनता की बारी है। पैसा घर में रखते थे तो नोटबंदी कर दिया, अब बैंक में रखने लगे तो बैंक दिवालिया करा दिया, घोषित कर दी। गीता का ज्ञान झाड़ रहे ये, हिंदुओं के फर्जी हिंदू के ठेकेदार बन रहे ये। कहते हैं क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, चाय बेच कर आए थे, देश बेच कर जाएंगे। ये इसी पर तुले हुए हैं। देश में आज तमाम ऐसी कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। किसान सुरक्षित नहीं है, हमारे फौजी भाई सुरक्षित नहीं है, हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, छात्र नौजवान सुरक्षित नहीं है। छात्र नौजवानों से मैं आपको बता दूं कि जामिया जेएनयू में किस तरीके से बीजेपी आरएसएस के गुंडे घुसकर मारा था छात्रों को, जो हमारे देश के भविष्य हैं, नौनिहाल हैं। दूसरे तरफ गार्गी कॉलेज में लड़कियों के सामने जय श्री राम का नारा बोलते हुए हस्त मैथुन की क्रिया की जाती है, उनके समीज स्कर्ट उठा कर झांके जाते हैं, हाथ डाले जाते हैं। ये अजीब से लोग हैं। हम उस धर्म के लोग हैं जिस धर्म में पत्थर को पूजा जाता है, जीव जंतु को पूजा जाता है, पेड़ को पूजा जाता है, पानी को पूजा जाता है, धूप को पूजा जाता है, पत्थरों से पुल बनाकर लक्ष्य तक पहुँचा जाता है। ये लोग हमारा धर्म पत्थर उठाना नहीं सिखाता। प्रभु श्री राम प्रजा के कहने से अपनी पत्नी को, गर्भवती पत्नी को, बिहार के वाल्मीकि ऋषि छोड़ आए थे, परित्याग किया था उन्होंने, शबरी माता के झूठे बैर खाए। और प्रभु श्री राम ने कहा था नर ही नारायण है। किसी को गीता में ज्ञान नहीं मिला, किसी को कुरान में ईमान नहीं मिला, उसको आसमान में क्या भगवान मिलेगा जिसको इंसान में इंसान न मिला। सवाल उठता है भाजपा के अनपढ़ गंवार नेताओं को, भाजपा के गंवारों को, स्कूल भेजो सारों को, इनको स्कूल कॉलेज भेजने की ज़रूरत है। भाजपा नेताओं को तो आपने देखा होगा 2014 से पहले जो भी बयान देते थे ठीक उसके विपरीत काम करते। इन लोगों का था बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रेपिस्टों की कैपिटल, बेटी किससे बचाना है, भाजपा नेताओं से। आज उत्तर प्रदेश में देख लीजिए जहाँ ढोंगी नरेंद्र मोदी, वहाँ राज्यपाल विधायक सारे भाजपा के हैं, उस राज्य में क्या हाल हो रहा है। हिंदू लड़कियों के साथ ही भाजपा के विधायक, सांसद, पूर्व गृह मंत्री बलात्कार कर रहे हैं। आप ये बात कहना बेमानी होगा, धर्म की बात करना बेमानी होगा, हमें इंसानियत समझना होगा। हमारी सबसे बड़ी धर्म इंसानियत की है। आज भाजपा के नेताओं ने तार तार किया, दुनिया की पहचान है औरत, दुनिया की एहसान है औरत, हर घर की जान है औरत, बेटी माँ बहन पत्नी बनकर घर घर की शान है औरत, ना समझो इसको कमजोर, ये रिश्तों की डोर, मर्यादा और सम्मान है औरत, हर घर की जान है औरत। भाजपा नेताओं को ये चीज़ समझना होगा। और हम ये नहीं समझते कि जो स्मृति ईरानी चूड़ियाँ लेकर घुमा करती थी, चूड़ियों के साथ प्रदर्शन करती थी, आज सब संसद में मंत्री और सांसद होने के बावजूद स्मृति ईरानी जी आपने अपना जमीर बेच लिया, आपकी नैतिकता तार तार हो गई, आपने कभी महिलाओं के उन सवालों पर जो उन्नाव में घटना हुई, पीड़िता को जिंदा जला दिया गया, पीड़िता के बाप की हत्या जेल में हो जाती है, पीड़िता के पूरे परिवार को ट्रक से कुचलवा दिया जाता है, आप चिन्मयानंद पर नहीं बोलते, आप इतने अस्तरहीन नेता होंगे, हमें ये नहीं मालूम। एक महिला का कर्तव्य होता है कि महिला का पक्ष रखे, स्मृति ईरानी जी ने तो छीछा लेदर कर दी। इन लोगों का समीकरण समझना होगा। कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ग के लोग, दिल्ली के लोग भी केजरीवाल जी को समझ नहीं पाए। केजरीवाल जी, अजीत डोभाल जी की एक संस्था थी जिसमें वो स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल में थे। इनके गुरु दुनिया का एक नंबर झूठा अन्ना, अच्छा, जो गांधी के विचारों पर चलने वाले कह रहे थे, ये राम कहाँ से उपज है, आंदोलन से, रामलीला मैदान से, झूठ और फ्रेम, झूठ और फ्रेम का गोरख धंधा था जिसमें हमारे देश की दलाल मीडिया के साथी भी थे। अब आपको चलना होगा रामलीला मैदान, रामलीला मैदान के आंदोलनकारी पौने दो आंख वाला बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, जनरल बी के सिंह, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, कुमार विश्वास, अनुपम खेर जैसे सरीखे लोगों ने देश में गुमराह कर आज देश की बर्बादी में सबसे बड़ा योगदान इन लोगों का है। आज देश तिल तिल कर मर रहा है। आपने सुना होगा नीम हकीम खतरे में जान। आप देख लीजिए दर्शन मनमोहन सिंह चुपचाप थे, इतना बेहतर जीडीपी था पता ही नहीं चल पा रहा था। ये तो भांट की तरह, पहले का राजा महाराजा भांट रखता था, पूरे विश्व में दौरा कर लिया, एक ही दौरा बाकी है मोदी जी का, भगवान न करे हो।
दिल का दौरा नहीं पड़ा है, बाकी सारे दौरा कर लिया इन्होंने। कभी इन्होंने ये दौरा किया तो आज जो मतलब एक ही, सब एक ही थाली के चट्टे बैठे, सारे एक थाली के। अन्ना कौन है? नाना जी देशमुख की संस्था थी जिसमें अन्ना हजारे जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था। केजरीवाल जी डोभाल जी के साथ काम कर रहे थे। अजीत डोभाल जी का पाकिस्तान से बहुत संबंध है, उनके बेटा पाकिस्तान से व्यवसाय कर रहे। तो आप प्याज टमाटर तो किसानों की बंद कर दी जाती है, डोभाल जी के बेटे का धंधा क्यों नहीं बंद होता, अंबानी अडानी का धंधा क्यों नहीं बंद होता? आप लोगों ने तो, आप मीडिया का सर भी इतना गिर गया कि जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के हजार में, जितना भाजपा के सरकार में गिर गया। आप सवाल अडानी अंबानी और डोभाल के बेटे पर क्यों नहीं करते? किसान का टमाटर तो बंद कर दिया जाता है, जैसे रेहड़ी पटरी वाले खोमचे वाले का पॉलीथीन कार्बन डाइऑक्साइड देता है, अंबानी अडानी अमूल दूध वाले सबका ऑक्सीजन देता है सरकार की नज़र में। दो तरह की बातें नहीं किया कीजिए। देखिए असली देशभक्ति क्या है, जब आप सत्ता से सवाल पूछते हैं तो आप असली देशभक्त भारतीय हैं। सत्ता से सवाल पूछना सीखिए, दलाली करना नहीं सीखिए ना। केजरीवाल जी अगर चाहते तो दिल्ली में इतना दंगा होता? 62 विधायक 3 सांसदों के साथ रात में दंगा हुआ, सुबह में राजघाट धरना पर बैठ जाते, राष्ट्रपति भवन का घेराव करते, राजघाट पर जाते, क्यों नहीं गए भाई? आप क्यों नहीं गए? किसका इंतजार कर रहे थे? किस चीज का इंतजार कर रहे थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और लोगों को समझने की जरूरत है। आज देश में जो भी तमाम तरह की परिस्थितियाँ हैं, देश की दलाल मीडिया का बहुत बड़ा स्थान है। ये मीडिया के लोग, हम तो कहते हैं हिंदुस्तान की आवाम से अब टीवी देखना बंद कर दीजिए। हमने टीवी चैनलों में देखा, जो ऑडियंस में आते हैं वो पैसे पर आते हैं, जो वहाँ पब्लिक बैठी होती है वो पैसों पर बैठी होती है। मीडिया वाले वही सवाल करते हैं जो पार्टी का प्रवक्ता करता है। ऐसी स्थिति में देश किधर जा रहा है? आज देश में कुछ जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए जवाबदेह लोग कौन है? सरासर मीडिया, हमारे देश के कुछ पढ़े लिखे वकील जज सारे बिकने लगे। अब जब ऐसी स्थिति होगी, किसी भी राष्ट्र को बर्बाद करने के लिए डरा हुआ विपक्ष, डरा हुआ प्रशासनिक अधिकारी, सोई हुई जनता और बिका हुआ पत्रकार काफ़ी है।